अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल तानी सुबह कुकिंग शो में सब खैरियत सा हुंदा ऐं जेके रेसिपीज तां जे लठाईंदा आहियूं हमेशा सर्दी के हिसाब से छाकाणि त सर्दियुनि जो जेको सियारे जो सीज़न हले पियो विंटर रेसिपीज ठाहियूं पिया ऐं हुन में काफ़ी सारी वैरायटी तव्हांजी फरमाइश जे मुताबिक ठाही आहे ऐं हाणे मां ठाहियां पियो जेका लाई हूंदी आहे अॼु छाकाणि त कल भी केक ठाहियो परीं भी केक ठाहियो त मां सोचियो लाई जी भी फरमाइश अचे पई। लाई घरनि में ठाहिण त ईंदी आहे लेकिन काफ़ी माण्हुनि खे न बि ईंदी आहे त उहो तव्हांखे ठाहिणु सेखारींदासीं। हिकु ठहींदी तिरनि जी लाई, हिकु ठहींदी डूंगी जी लाई यानी नारियल जी, ऐं हिकु ठहींदी मूंगफली जी लाई, ठीकु आहे। ऐं हुन सां गॾु ठहंदा मुरमुरा जेका हूंदा आहिनि हुनजा लॾूं ठहंदा, ठीकु आहे। जीअं मरुंडा ठहंदा आहिनि उन टाइप जा लॾूं तव्हांखे ठाहे सघंदासीं। बिल्कुलु आसान रेसिपीज़ आहिनि ऐं जल्दी ठहण वारियूं आहिनि। सिर्फ़ु हुनजो टेम्परेचर ऐं हुनजी टाइमिंग जो ऐं हुनजी मेजरमेंट जो ख़्यालु रखिणो हूंदो आहे त उहो बिल्कुलु परफेक्ट तव्हांजी रेसिपी ठहंदियूं। ठाहियो हिनखे घर में ऐं पंहिंजे ॿारनि जे लाइ बि पाण बि इंजॉय कयो सियारे में। हिन सां गॾु चांहि जेके तव्हांखे काफ़ी सारियूं ठाहिणु सेखारियूं आहिनि उहो बि तव्हां ठाहे सघो था। ॿाहिरां टॉफ़ी वठी ॾियणु ॿारनि खे हिन खां बहितर इहे घर में ड्राई फ्रूट्स जी लाई ठाहे ॾियो ॿारनि खे, इहे वधीक बहितर आहे, ठीकु आहे। ऐं गुड़ सां गॾु बि ठहे थी, खंड सां गॾु बि ठहे थी। हिकु असां ठाहींदासीं खंड सां, ॿ ठाहींदासीं गुड़ सां, ठीकु आहे। रेसिपी नोट कंदा वञो, स्क्रीन ते नंबर हलंदो आहे। कुकिंग विद शेफ असम जो पेज उते रेसिपी अपलोड थींदी। अॼु की जो रेसिपी बना रहे बिल्कुलु डिफरेंट। चिक्की आपने देखी होंगी, जो सिंधी में तो हम लाई कहते हैं उसको, वो चिक्की कहते हैं उर्दू में। तो ये होती हैं स्ट्रिप्स होती हैं जैसे मूंगफली की और तिल की। जैसे मूंगफली वालों के पास भी मिलती है, ड्राई फ्रूट शॉप पे भी मिलती है और आजकल सीज़न है इसका, तो वो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। एक हम बनाएंगे मूँगफली की, एक हम बनाएंगे तिल की और एक हम बनाएंगे नारियल के साथ, ठीक है। और मुरमुरे के लड्डू जो गोल मिलते हैं वो बनाना सिखाऊंगा। जो मरुंडे एक इसके मिलते हैं गोल, उसे मरुंडा भी कहते हैं, लड्डू भी कहते हैं। तो चारों रेसिपीज भी ईजी हैं और बस मेहनत इसमें यह है कि उसको बेलना पड़ता है अच्छी तरह, और मेजरमेंट का ख्याल रखेंगी तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, ठीक है। आप नोट करते जाइएगा, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तिरन जी आहे हिन में असां खणंदासीं, हे आहिनि 125 ग्राम यानी अधु पा तिर आहिनि, त हिन में 100 ग्राम खणंदासीं गुड़, ठीकु आहे। तिल की जो हम बनाएंगे चिक्की, उसके लिए हमने लेना है 100 ग्राम गुड़। गुड़ आप तोल के लीजिएगा, खुद से अपने हिसाब से नहीं वज़न कीजिएगा। अगर आपके मेजरमेंट स्केल है तो आप कर सकते हैं, वरना जिस शॉप से लेते हैं तो उनको कहें कि वो तोल के दे देंगे, ठीक है। एक ये 100 ग्राम हमने गुड़ लिया है और 125 ग्राम तिल है, ठीक है। ये हम तिल के बनाएंगे, इसको घी से ग्रीस करेंगे सिर्फ, जस्ट ये पिघला के। सेकेंड जो बनेगी इसमें आधा कप चीनी है और एक कप से सवा कप जितनी मूँगफली, मूँगफली को 20 से 2 करना है, इस तरह तोड़ना है, ठीक है। इस तरह 20 से 2 कर दें तोड़ के, हाथ से खुल जाती हैं। मूँगफली एक का सवा कप मूँगफली ऐं अध कप असां खंड खणंदासीं, एक खाइण जो चमचो मखण वेंदो, एक खाने का चम्मच बटर जाएगा, और इसमें भी ग्रीस के लिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड जो हमारी है नारियल की चिक्की बनेगी, नारियल जी जेका लाई ठहंदी हुन लाइ नारियल 100 ग्राम, ठीक है। अध पा का थोड़ो घट हूँ, 2-3 खाने का चमचा घट हूँ, 100 ग्राम। ऐं में भी असां खणंदासीं 200 ग्राम जेतिरो गुड़, ठीक है। 200 ग्राम गुड़ ऐं 100 ग्राम असां ही खणंदासीं पीठल नारियल, ऐं कटियल डूंगी जेका हूंदी आहे बारीक कुटियल हुजे या चॉप थियल हुजे, या अधु कप खणंदासीं। ऐं हिन में थोरी मिठी सोडा 2 पिंच विझंदासीं ताकी बैलेंस रहे, ठीक है। 200 ग्राम हमने यहाँ पे लेना है गुड़, 100 ग्राम हमने लेना है पिसा हुआ नारियल, 50 ग्राम या 60 ग्राम के करीब ये हाफ कप होगा कटा हुआ नारियल जो बारीक आता है, और उसके साथ आपने ये मीठा सोडा 1-2 पिंच डलेगा इसमें, ठीक है। और इसमें भी घी से हम ग्रीस करेंगे। मुरमुरे के लिए 100 ग्राम मुरमुरे और 1 पाव गुड़ होगा, ठीक है। मुरमुरा ये चांवरन जो हूँ ही हर जगह मिली था उन्होंने, ये 100 ग्राम वी एक पा इन में गुड़ वो घी से पे बनस्पति जैसा अस ये ठाईंदी। सभी का पहले स्टार्ट क्यों तिरन की लाई, ठीक है। तिरन की लाई लापे एक खड़ी फ्राइंग पैन, तिरन के थोड़ो सो भुनंदी, तिल जो है इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे, ठीक है। तिल को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, रोस्ट करने से क्या होगा कि इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा, ठीक है। रोस्ट करके हम इसे बॉल में निकाल देंगे एक प्लेट में जी। सखर से कॉल है ना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही अली भाई मुझे जी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। अच्छा भाई क्या बना रहे हैं? मैं वो जो स्ट्रिप्स बनती हैं जिसे हम सिंधी में लाई कहते हैं, गुड़ की होती है, चीनी से बनती हैं। चावल की रोटी तो बनाना सिखा रहे हैं। चावल की रोटी इंशाल्लाह बनाऊंगा, मुझे साग बनाने एक दो किस्म के, तो उनके साथ चावल की रोटी में बना दूंगा, ठीक है। अच्छा
ओके थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तेल हमने लेना है यहाँ पे, भूनना है ठीक है, इसको आधा पाव तेल है ये, तकरीबन 125 ग्राम तेल है ठीक है, जलना नहीं चाहिए इसको, हल्का सा आपने रोस्ट करना है, तिरन के सड़न ना तिर, हल्को हल्को इनके रोस्ट कंदासी, कारा भी ना थियन, बस इनजो कलर चेंज थी तो बस स्पून चलाते रहे, वरना ये फुदक फुदक के उछल के बाहर गिरना शुरू हो जाएंगे, इस तरह बस स्पून चलाते रहें ताकि गिरे ना उछल के बाहर ठीक है। देखिएगा थोड़ी देर में गर्म होंगे तो एकदम ये इधर उधर होते हैं ठीक है। इस तरह आपने 125 ग्राम तिल ले लेना है, अच्छी तरह इसको स्पून चलाते हुए इसको रोस्ट करें ठीक है। नॉन स्टिक नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप वैसे भी फ्राइंग पैन में या कढ़ाई में बना सकते हैं। इनके रोस्ट कंदासी हल्की बाहे थे, अब ये इसमें मुझे ना साउंड बहुत ज़्यादा है, आपकी आवाज़ नहीं समझ आ रही। हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसा भाई जा रहा? बिल्कुल ठीक ठाक, कह रहे हैं कितना गलाया प्या? हेलो किधर गलाया पे लड़का ने कहा? अदी टीवी में आवाज बुद्धि गलाया प्या। अच्छा टीवी जो वॉल्यूम बंद करे छोड़ो। जी जी जी, कोई फरमाइश है तांजी? जी जी वाइट कोरमो पचाए सिखा रहे हो? अच्छा ठीक है, वाइट कोरमो मैं नोट करे तो पचाए सिखांदा सी ठीक है। हाँ ठीक है ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज। अच्छा इसी में ही इसी सेम कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में जो तिल रह जाए वो आप साफ कर दें ताकि वो जले ना। अब हम इसमें गुड़ को मेल्ट करेंगे ठीक है। गुड़ भी जंदा से इनमें 100 ग्राम, हल्की बाहे थे गुड़ सड़े ना ठीक है, हल्की बाहे थे गुड़ सड़े ना, इसको हमने करना है मेल्ट। और इसमें हम डालेंगे एक खाने का चम्मच जितना पानी ताकि ये अच्छा सा हमारा मेल्ट होना शुरू हो जाए और जले ना। 1 टेबल स्पून पानी डाला और इसको हमने मेल्ट करना है ठीक है, स्पून चलाते हुए हल्की आंच पे, बिल्कुल ये पिघल जाएगा गुड़ बिल्कुल ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा ठीक है। हल्की बाहे थे या है 100 ग्राम गुड़ या 125 ग्राम अद्ध पा भी खड़ी सको था ठीक है, जरूरी ना है कि 100 ग्राम है, अद्ध पा भी खड़ी सको था अगर 100 ग्राम तंग है समझना चाहिए। इसको अच्छी तरह आपने करना और इसमें एक चाय का चम्मच हम घी डालेंगे ग्लेस तक, इसमें शाइनिंग अच्छी है, एक चाय का चम्मच घी डालूंगा बहुत ज़्यादा नहीं ठीक है। एक चाय का चम्मच घी डाला जी, आवाज़ नहीं आ रही मुझे इसमें, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा ठीक है। हम इसको बिल्कुल मेल्ट करेंगे जी। कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कह रहे हैं कितना गलाया प्या? इधर मारा डिगल आया मोर था। चाह लें ता जा शुक्र अलहमदुलिल्लाह ने किया पे तो सही है। अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक, कुछ चाहने चाहिए दो? जाम के केक ठान से कर रहे हो? अदी कल था मां केक ठायो कल ही परी ता शायद मिस करे छरियो बडी केक ठायन। हां कल हां ता जे न पहले ना है गए जी पता प्रोग्राम ना पे आयो जो साड़ी नहीं करे, लेकिन मां कल भी केक ठायो परी भी केक ठायो सजो एकड़ो चॉकलेट केक ठायो एकड़ो पाइनएप्पल केक ठायो हाँ तो इंतजार कर एक महीने का इनशाला रेसिपी की फरमाइश एडी ज्यादा है वो पहले कंप्लीट क्या ना वो इनशाला जल्द ठीक है दी। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। केक में हाँ ठाया तो हिंसर एडी जल्दी नाई सकें, चाइनीज भी काफ़ी सारो एक पूरा वीक करो है, पाकिस्तानी खादन की भी इलाही फरमाइश है तो वो भी मैं पूरी करे वा अना हलवा काफ़ी सारा बाकी छाकर सियारो निकरी वो ये रेसिपी पेरी क्या केक इनशाला वरी ठाईदी बेकिंग कदासी ठीक है। इसको अच्छी तरह स्पून चलाते हुए ये थोड़ा टाइम लेगा, गुड़ गुठलियाँ जो बनी हुई हैं या तो पीस के डालें, 2 खाने के चम्मच तकरीबन इसमें मैंने डाल दिया है, पहले 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें पानी डाला, इससे क्या होता है ये जलता नहीं है नीचे लगता नहीं पानी डालने से और शाइनिंग भी आती है ग्लेज आ जाती है इसके अंदर ठीक है। और 1 चाय का चम्मच जो मैंने घी डाला है बनस्पति उससे क्या होगा इसमें ग्लेज आएगी शाइनिंग आएगी ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना 1 चाय का चम्मच आपने घी डालना है, 1 चाय जो चम्मचों बनस्पति घी विधो पहले गुड़ के मेल्ट कर 1 चाय जो चम्मचों घी विझी छो आई 1 खाण जो चम्मचों पहले पानी विझो उनके नरम कजो पो वरी 1 खाण जो चम्मचों पानी अगर जरूरत पे। कॉल वठूँ तो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हम ना न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, हम भी न्यू ईयर सेलिब्रेट पान में गले क्या? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कह रहे हैं किथा गलायो प्या? टीवी जो वॉल्यूम बंद कर छोड़ो ना तो ताई लाइन फौरन कट जी विंदी यार जो हियर
ये टीवी में बात कर रहे हैं सुन के ना ऐसा ताई लाइन ड्रॉप थी वही ना कदे भी कॉल कंदे माल टीवी ते पंजी आवाज बुधण लाए कॉल ना कंदा कयो प्रोग्राम में इन थिंदा कयो रेसिपी के बारे में गलाइंदा कयो अगर ताहा के पंजी आवाज बुधण जो शौक है इते अचो मोट मतलब अगर शौक है अई पोता पंजो रिपीट में भी दिसी सको तो प्रोग्राम अच्छा ये देखें गुड़ जब इसमें बबल्स बनेंगे या खुद अंदाजा हो जाएगा ये जो हमने तिल जो रोस्ट किया था ये इसके अंदर चला जाएगा ठीक है तिल जेके रोस्ट कया बा ये विजी चंदासी और इसको फौरन फौरन अपने हल्की आंच पे ये प्रोसेस करना है इसको मिक्सअप करना है ठीक है अच्छी तरह इसको मिक्स करके घुमाना है इस तरह ये पूरा घुमाना है चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दें या बंद कर दें ठीक है जलना नहीं चाहिए ये प्रोसेस इस वक्त बिल्कुल जलना नहीं चाहिए ये बिल्कुल अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ठीक है चंगी तरह इनके मिक्स कंदासी सड़े ना तांजी लाई सड़ी वही जो फ्लेवर मज़ेदार कोन हों चंगी तरह गुड़ इनके अंदर मिक्सअप थी वो जी कॉल है हेलो अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई वालेकुम अस्सलाम जी केरे किथा गलायो पिया मैं फहमीदा हैदराबाद से बात कर रही हूं हां क्या हाल है फहमीदा आपके मैं तो ठीक हूं अच्छा फैसल भाई आपने जो केक बनाया था ना वो हमने घर में ट्राई किए थे बहुत अच्छे बने थे कौन सा वाला हमारे घर में जो है ना वो केक कटिंग है यानी कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन है आज और आपको हैप्पी न्यू ईयर थैंक यू आपको भी हैप्पी न्यू ईयर और आज वैसे ही लास्ट डे है इस साल का अगला साल दुआ करें बहुत अच्छा गुजरे हमारे लिए ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज हाने शकंदासी एकड़ो ही थाल है ठीक है ये थाल पे ही करें क्योंकि मैं आपके पास मार्बल का टॉप होता है घर में यहाँ पे ये स्टूडियो है ठीक है तो ये आर्टिफिशियल होते हैं स्टूडियो किचन तो ये मार्बल टॉप नहीं है जिसपे मैं करूँ ये फार्मिका है तो मैंने क्या किया यहाँ पे ये ले लिया है एक जो थाल होता है जिसमें आटा गूंदा जाता है ठीक है स्टील का ये थाल ले लें आप इसके ऊपर आपने घी को ग्रीस करना है इसके ऊपर घी को ग्रीस करें ठीक है घी हाथ से भी लगा सकते हैं और ब्रश से भी घी को ग्रीस करने के बाद आपने क्या करना है बेलन लेना है बेलन के ऊपर भी आपने घी को ग्रीस करना है फौरन फौरन उसको छोड़ना नहीं है ठंडा ना हो जाए ठीक है बेलन के ऊपर भी घी को ग्रीस करें या मक्खन या ऑयल हो जो भी आपके पास हो ठीक है अच्छी तरह ग्रीस करें कॉल बैक टू द अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई क्या हाल है आपके बिल्कुल ठीक ठाक कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं अक्षय कराची से बात कर रही थी जी क्या हाल है प्रोग्राम देख रही हैं आज सबसे पहले तो आपको नया साल मुबारक हो खैर मुबारक आपको भी मुबारक हो और ये खुशियां लेकर हम सबके लिए पूरे पाकिस्तान आमीन आमीन बिल्कुल जबरदस्त बात कही आपने बिल्कुल और सबको नेकी सबके साथ करें तो बहुत अच्छी है आप भी नेकी कर रहे हैं सबको बहुत बड़ी नेकी है ये भी हाँ बिल्कुल ये नेकी है और आप लोग की दुआएं चाहिए बस मुझे जी आप कचौरी बहुत अच्छी बताई मैंने ट्राई भी करी तो बहुत शानदार बनी मतलब मुझे कचौरी बनानी आती नहीं थी अच्छा बना दी आपने जी जी बड़ी अच्छी बनी और बहुत अच्छा आपने बताया तरीका मतलब मुझे सबने मतलब उस तरह आपने बताया मुझे अच्छा चलिए अच्छी बात है आपने बनाया थैंक यू यही तो मैं कह रही हूँ आप नेकी कर रहे हैं देखिए कितना फायदा पहुंच रहा होगा आपकी वजह से कितने लड़कियों को आ गया बस यही यही अच्छी बात है कि सब यहाँ से सीख रहे हैं ना जी ये अल्लाह को नेकी पसंद है ना किसी के साथ मतलब भलाई करना है समझ लीजिए थैंक यू जज़ाकअल्लाह कोई फरमाइश है तो बताइएगा जी मुझे आपसे करनी थी मीठी टिकिया और खीर सिखा दीजिएगा जो कुंडों में बनती है क्या चीज मीठी टिकिया और खीर मीठी टिकिया और खीर है ठीक है अब कोई ऐसा इवेंट आएगा ना तो या मैं देखूंगा बीच में किसी दिन बना दूंगा ठीक है लाइव बता सकते हो अगर टाइम हो आपके पास अभी तो अभी इतना टाइम नहीं आपके पास अगर हो तो आज नहीं बता सकता क्योंकि सैटरडे संडे मेरा थोड़ा टाइम कम होता है फौरन मेरे पास मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ठीक है थैंक यू अल्लाह हाफिज अच्छा ये थोड़ा स्लिप हो रहा है इसको थाल को थोड़ा ग्रीस करके आप सेट करके आप लोग कहिएगा तो ये आराम से बन जाएगा ठीक है लेयर इसकी पतली करनी है बेलन से ठीक है ॾिसो हेठ किरे ना ऐं तव्हां खे ही सेट कर हिते त मुंहिंजो किचन में ही मूंखे स्लिप थिए पियो हिते फार्मिका जे मथां रखियल आहे त तव्हां आराम सां हिनखे ग्रिप करे पोइ कजो ठीक है अच्छी तरह इसको ग्रिप करके आपने इसको बनाना है इस तरह ये बिल्कुल इक्वल इसका साइज़ होना चाहिए मेजरमेंट आप इसकी देख लें इस तरह ये होगा ठीक है ये हो गया इसके बाद इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और कट करेंगे ठीक है इसको आप चेक करें ये कितना गर्म है अभी थोड़ा 5 मिनट के बाद इसको आप कटिंग करेंगे लेकिन हम क्या करेंगे इसको गर्म में ही निशान लगाएंगे निशान लगा के इसको छोड़ देंगे ताकि जब आप इसकी कटिंग करें तो ये आराम से निकल जाए ठीक है इस तरह के गरम में ही कटिंग करनी है छाकर जमी वो तो पो कटिंग तक दुखी थी वी ठीक है ये करें इसको आपने इस तरह जी हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं बिल्कुल ठीक ठाक गई नहीं हैदराबाद
अरे वाह भाई वाह, हैदराबाद पूरा कर दिया मैंने। पहुंच भी गई हैदराबाद खैर से? हाँ पहुंच गई। चले अच्छी बात है। प्रोग्राम देख रही हैं क्या वहाँ बैठी हुई? हाँ मैंने खुलवाया है ना प्रोग्राम, बच्चे थे तो मैं वो गए हुए सारे मेकअप कराने, तो मैंने कहा चले मैं देख लेती हूँ जब तक तैयार हो रहे थे। चले अच्छी बात तो है। मेरी तरफ से पूरी टीम टीवी को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। विश कर दिएगा शादी है सब हाँ, बच्चे हाँ क्या कह रही है? मैंने कहा विश कर दिएगा शादी है ना, वलीमा है आज। अच्छा चले मेरी तरफ से मुबारक दीजिएगा जिनका वलीमा है, ठीक है? और जो है वो सारे बच्चे वो लाइन पे लगे हुए हैं, सब बच्चे देख रहे हैं। चलें सब बच्चों को मेरी तरफ से प्यार, ठीक है? चलें ठीक है, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। देखें ये हैं कॉलर, कैसे जाके हैदराबाद से भी इन्होंने कॉल की, शादी में गई थी हालांकि इन्होंने कहा था, लेकिन बेचारी देखें वहाँ से ही कॉल करी। अच्छा इसको ठंडा होने दें, ठीक है? इस तरह आपने स्ट्रिप्स बना देना है, ये काफ़ी ज़्यादा बनानी है तो मेजरमेंट का ख्याल रखना है, हिंजे वज़न जो ख्याल रखना है। अध की अध पा तां खणंदो तिर त अध पा गुड़, 100 ग्राम या 125 ग्राम, अध पा तिर त अध पा गुड़, ठीक है? बिल्कुल बैलेंस से तांके ठाणो है। आधा पाव गुड़ तो आधा पाव आपने तिल लेना, अगर एक पाव तिल की बना रहे हैं तो एक पाव आपने गुड़ लेना है, ठीक है? घी मैंने 1 चाय का चम्मच डाला था, आप 2 चाय के चम्मच डालेंगे, ठीक है? बढ़ाने में वरना बिल्कुल इतनी मेजरमेंट में आप बनाएंगे। पानी का भी ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा पानी जज्बात में आके नहीं डालना है क्योंकि पतला हो गया तो चिपकेगा नहीं, ठीक है? ये एक बन गई, 10-15 मिनट बाद हम इसको उतार के पीसेस कर देंगे। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है? मूंगफली की लाई। अच्छा इसका मैं ये प्रोसेस बता दूं, ये मैंने नीचे तो रख दिया था, अब इसको उतारना कैसे होता है, ठीक है? ये उतारना कैसे? जी कॉल है, हेलो। अच्छा ब्रेक का टाइम आ रहा है, मैं ये बता दूँ कि जब हमने ये चिपक जाता है इसके ऊपर सारा, तो इसको आपने पानी डाल के इसको बॉयलिंग करनी है। जब बॉयल होगा तो आपने फौरन गर्म पानी से इसको धो लेना है ताकि इसका जितना अंदर चिपका हुआ है सब मसाला जो गुड़ चिपका हुआ है निकल जाएगा, ठीक है? पानी भी जिनके बॉयल का जो इनके फौरन गर्म पानी से धोईंदा तो सब लही वेंदो। हिकु शॉर्ट ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ असां सेकंड रेसिपी स्टार्ट कयूं था। वेलकम बैक नाज़िम। ब्रेक थियण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेको मां लाई ठाही हुई हे तयार थी वई आहे, ठीक है? ये तयार हो गई है और इसको हमने उतारना शुरू करना है, और ताकि मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ कि ये कैसे बनेगी, ठीक है? इसका रिजल्ट आप ये देखें, इस तरह के पीसेस ये उतरते जाएंगे, ठीक है? लेकिन गर्म नहीं होनी चाहिए, ठंडी हो, ठीक है? इस तरह आराम आराम से इसको आपने उतार देना है, और ये आप एयर टाइट डब्बे में रख दें, शॉपर में भर के रख दें, ये ख़राब नहीं होती, 6 महीने भी ये ख़राब नहीं होगी, ठीक है? ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी है, किसी को गिफ्ट करना है बना के तब भी आप कर सकते हैं इस तरह इसको बना के, और जो थाल पे भी चिपक गई तो उसको भी गर्म पानी से आप खुरच के धो सकते हैं, ठीक है? इस तरह थोड़ी ये और गर्म है अभी, और ठंडी हो जाए तो मैं इसे और भी निकाल दूँगा, ठीक है? फिर इसको कितनी सारी ठही हुई काट के मैंने पहले रख दिया था, कटिंग पहले कर दी थी, इससे क्या होगा कि ये आराम से निकल आएगी, वरना आप फिर ज़ोर लगाएंगे तो ये टूटेंगी, ठीक है? बहुत मज़े की बनी है। इस तरह आपने ये सारे पीसेस निकाल देने, ठीक है? हिन खां पोइ छा आहे मूंगफली जेका आहे हीअ मां हिते रखां थो, तव्हां ॾिसी सघो था, ठीक है? ये आप देख सकते हैं ये बन गई। मूंगफली के लिए हमने क्या किया, मूंगफली को हमने पहले रोस्ट किया, ब्रेक पे चला गया था, ब्रेक के दौरान मैंने मूंगफली को रोस्ट किया, और इसको थोड़ा ठंडा कर दें, ठीक है? जो थोड़ा जल गए वो पीसेस हटा देते हैं, इसको रोस्ट कर दें हल्का सा। रोस्ट करने से पहले इसको खोल देना है, 2 पीस में कर देना, ठीक है? अब हमने क्या करना है, इस सेम फ्राइंग पैन में चीनी लेनी है, 1 कप से 1.25 कप मूंगफली है तो चीनी हमने कितनी लेनी है, इधर 1/2 कप, ठीक है? हाफ क्वांटिटी में चीनी जाएगी, इसमें चीनी को हमने करना है मेल्ट, हल्की आँच पर चीनी को मेल्ट करना है। इसमें भी 1 टेबल स्पून पानी जाएगा, ज़्यादा नहीं। कैरामेल बनाना है इसका, 1 टेबल स्पून पानी, और इसके साथ हम इसमें बटर डालेंगे 1 टिकिया, ठीक है? 1 खाने का चम्मच बटर, 1 खाने जो चम्मचो मक्खन, और खंड के इसे कैरामेल करना है, यानी सफ़ा ब्राउन थी वेंदी ही गरी वेंदी, ठीक है? मक्खन असा इतने विधो है 1 खाने जो चम्मचो, और 1 खाने जो चम्मचो का घट थोड़ा पानी या 1 चाय जो चम्मचो पानी। जैसे ये कैरामेल बनेगा ये देखें ब्राउनिश होना शुरू हो जाएगा, ठीक है?
ब्राउन थियण शुरू थींदो, मखण इनमें शाइनिंग जे लाइ विधो आहे। मखण खां छा थींदो, खंड जे जेका लाइट हूंदी उनमें शाइनिंग ईंदी आहे, ठीकु आहे। क्वांटिटी वधाईंदो त हर शइ खे मेजरमेंट करे तव्हां ठाहींदो, ठीकु आहे। क्वांटिटी अगरि आपने बढ़ाई तो हर चीज़ की आपने मेजरमेंट करनी होगी, वरना आपका क्या होगा कि ये सही नहीं बनेगी, इस तरह के पीसीस नहीं निकलेंगे, चिक्कीज अच्छी नहीं बनेंगी। स्पून चलाते रहें और आँच हल्की कर देता हूँ। पहले मैंने तेज़ की थी, आप लोगों ने बिल्कुल हल्की आँच पे करना है। ये नॉन स्टिक है तो मुझे इतना डर नहीं होता जलने का, जलता नहीं है, लेकिन आप लोग सिल्वर की कढ़ाई में या लोहे की कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में सिल्वर में बनाएंगे तो उसमें जलने का खतरा होता है, ब्राउन डार्क एकदम कड़वाहट आ जाती है जलने से, ठीक है। इसको हमने इस तरह घुमाते रहना है, ठीक है। कॉल आए, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फैसल? बिल्कुल ठीक ठाक सारा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ जी। प्रोग्राम देख रही हैं? देख रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये जो आप आज बना रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, आप भी बनाइएगा जरूर। और चने की दाल की भी होती है और मुरमुरे की तो आप बना रहे हैं ना? हाँ हाँ, चने की दाल की भी बन, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स की बनती है। हाँ, बहुत सारी होती है, मुझे बहुत पसंद है, गुड़ वाली पसंद है। हाँ, गुड़ वाली बना रहा हूँ मैं, यू नो। 2017 का आफ्ताब गुरूब होने वाला है। बिल्कुल, कोई हार गया, कोई जीत गया, ये साल भी आखिर बीत गया। जिंदगी इतनी तेज रफ्तार हो गई कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, साल पे साल गुजर जाते हैं, लेकिन हर गुजरने वाला साल हमें कुछ नए तजर्बात, नई खुशियाँ, नए दुख देकर जाता है। कुछ ऐसे लम्हे जो हमारे लिए यादगार हो जाते हैं, कुछ ऐसे लोग जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, और कुछ ऐसी यादें जो जहन पर अनमिट नकूच छोड़ जाती हैं, और कभी कभी मलाल भी उन ख्वाहिशों का जो अधूरी रह गईं, और उन ख्वाबों का जो पूरे ना हो सके। बिल्कुल, नया साल अपने दामन में उम्मीदों के सितारे लेकर आते जाते हैं, और हम उनकी ताबीर के लिए, ताबीर पाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर देते हैं। सारा प्लीज शॉर्ट शॉर्ट बोला करें, यहाँ पे ये कुकिंग शो है, आप इतना लंबा बोलती हैं, माइंड ना करें प्लीज, क्योंकि मुझे रेसिपी भी निकालनी थी, सब वेट कर रहे होते हैं। आप ये सोच के क्या करें कि मॉर्निंग शो नहीं है, कुकिंग शो है। कुकिंग शो में बहुत कम कॉलर्स आती हैं, सिर्फ रेसिपी पे, आप रेसिपी पे बिल्कुल नहीं आती, मैंने नोट किया है। आप शेर व शायरी करें, जब टाइम होता है पूछ के कर लिया करें, या ओबी से पूछ लिया, क्योंकि मुझे रेसिपीज निकालनी होती, प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि मुझे पीछे बहुत सारी कॉल्स होती हैं, वो सब डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, वेटिंग में होते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ना शॉर्ट करके बताया करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर ये रेसिपी मेरी रह जाएंगी बीच में। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसमें झाग सा बन रहा है, ठीक है। अब ये गाढ़ा होना शुरू होगा, ठीक है, गुड़ गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, और इसका सॉरी ये कैरामेल है, चीनी है, ये देखें अब इसमें बबल्स बन रहे हैं, पानी जो इसका है अब ये ड्राई होने लगा है, ठीक है। अब हम इस स्टेज पर आके इसमें मूँगफली डाल देंगे, ठीक है। हाँ, असल में मूँगफली विझंदासीं ऐं चुल्हे खां थोड़ो साइड में कंदासीं इनके, ठीक है। मूंगफली डाली, इसको हल्का सा मिक्स किया, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगा नारियल पिसा हुआ मूंगफली के साथ, ठीक है। इससे क्या होगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मूंगफली के साथ मैंने इसमें नारियल डाल दिया। कॉल बटूं था, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कह रहे हैं कि था गलायो प्या मिस्टर अलीम हैदराबाद। अच्छा, हाल है ताजा? अल्लाह जो शुक्र है, तांजी रेसिपी दला ही सुछ हुन जना दा मेहरबानी तमाम घणी। हां, तांजे प्रोग्राम दिस पर मैं यूं फर्स्ट टाइम कॉल कई है। अच्छा, वेलकम किया तो तांके फर्स्ट टाइम कॉल कई है, को फरमाइश है तांजी? न फरमाइश का करने सब कुछ तांजे प्रोग्राम हलंगो है, तमाम घणी हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर तांके जी। यदि हैप्पी न्यू ईयर जी, मुबारक हो, तहां के भी मुबारक हो, बस दुआ कजो नौ साल इलाही सुठो गुजरे असा मुल्क ला ना सबनी ला ता सब जी जी। थैंक यू अदी, पंजो ख्याल रख जो, मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, इसको मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है, टिन पैक टिन में, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है मूंगफली वाला, चीनी वाला ना, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको मैं फैलाऊंगा टिन के अंदर, ठीक है। टिन के अंदर फैलाने से क्या होगा, इस तरह करके इसको फिर कप से या किसी चीज़ से आपने ऊपर से सेट करना है, ठीक है। ये चीनी का है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है ड्राई होने में भी, तो इसको हम टिन के अंदर फैला देते हैं, ठीक है। टिन के अंदर फैला के इसको फिर ऊपर से सेट करेंगे, ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसमें नारियल भी ऐड कर दिया है मूँगफली के साथ, ताकि उसका फ्लेवर और भी अच्छा है, ठीक है। इसको आहिस्ता आहिस्ता आप फैलाते जाएँ, सेट करें, इसको थोड़ा साइड से हटाते हैं।
ये फ्राइंग पैन भी हटा दें खाला, ठीक है। जो इस पे लग रहा है वुड पे, ये आपने इस तरह चम्मच से सेट करें, ठीक है। चम्मच से भी सेट हो जाएगा। इसके थोड़े मोटे पीसेस रखने, इसको ज़्यादा बेलना नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा मूंगफली के बड़े बड़े पीसेस मिल रहे होते हैं बने हुए इस तरह के, इसको ज़्यादा आपने फैलाना नहीं है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मोटा ही रखूँगा, फिर इसको बाद में ठंडा होगा तो इसको कटिंग करेंगे आप, ठीक है। हम देखते हैं, अगर प्रोग्राम का टाइम इतना रहा तो मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊँगा। इस तरह इसको सेट कर दें बिल्कुल स्पून से, ठीक है। स्पून से बिल्कुल ये इक्वल सेट हो जाएगा। ये हो गया मूंगफली का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, थर्ड कौन सा बनाना है? थर्ड हमने बनाना है नारियल का, ठीक है। पहले हम यूँ करते हैं, मुरमुरे बनाते हैं, नारियल का थोड़ा टाइम लगता है, मुरमुरो जल्दी बन जाता है, मुरमुरों में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। मुरमुरा ठाही होता लड्डू मुरमुरे जा हिन लाइ असां खणंदासीं कढ़ाई, कढ़ाई में विझंदासीं 250 ग्राम गुड़, ठीक है। 250 ग्राम हमने इसमें गुड़ डाल दिया। 250 ग्राम गुड़ डालने के बाद हम क्या करेंगे, इस गुड़ को हमने करना है मेल्ट अच्छी तरह। 250 ग्राम गुड़ लेके हल्की आंच पे इसको गुड़ को मेल्ट करना है, और इसमें भी पानी डालेंगे 1 खाने का चम्मच, इससे गुड़ अच्छा मेल्ट होता है, ठीक है। 1 खाने का चम्मच पानी जाएगा और 1 चाय का चम्मच इसमें भी मैं घी डालूंगा थोड़ी देर में। गुड़ के चमचो हलाइंदा रह जाओ, ही जीअं पाउडर करी विझण चाहियो था पाउडर करी भी विझी सको था, ईअं विझण चाहियो था हीअं भी विझी सको था, ठीक है। ॿ रेसिपी मां तव्हांजे साम्हूं ठाही छॾियूं आहिनि, मूंगफली जी लाई ऐं तिरन जी लाई, ठीक आहे। मूंगफली जी लाई ऐं तिरन जी लाई ठही वई, ऐं हिनखे चङी तरह तव्हां गुड़ खे हुन तरीक़े सां मेल्ट कंदव, ठीक है। बिल्कुलु आसान है। नेक्स्ट वीक से इनशाला आप लोग की सारी फरमाइशें पूरी करेंगे, जिसमें निहारी है, पाए हैं, बिरयानी है, और नमकीन कढ़ाई थी शायद ना, नमकीन कढ़ाई में बनाऊँगा ज़रूर, उनकी भी फरमाइश थी ये चीज़ें। और उसके साथ साथ देखूँगा कोई छोटी छोटी मीठे भी बनाते रहेंगे हलवे, तो दो रेसिपी वैसे भी मैं बनाता हूँ, तो हर खाने के साथ एक मीठा हलवा या कोई ऐसी चीज़ या जैसे खीर वगैरह कुछ निकालते रहेंगे। कॉल बैठू था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैसल भाई, आज बहुत अच्छी आप डिश बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सर्दियों के हिसाब से बना रहा हूँ, इसकी फरमाइश भी थी मुझे। अच्छा फैसल भाई, आप बहुत अच्छी अच्छी डिशे बनाते हैं, आपने हमारे को पकाना सिखा दिया फिर मैंने। जी क्या कर दूँ, आपने बहुत अच्छी अच्छी डिशे बनाते हैं, आपने हमारे को पकाना सिखा दिया इस मामले में। बिल्कुल आप लोग के लिए ही बनाता हूँ ये प्रोग्राम, आप लोग के लिए ही है। हेलो हेलो ये लो, आप कैसे बात कर रहे हैं? प्लीज कौन से सिटी से बात कर रही हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक जी। कुछ कहना चाहेंगे आप फैसल भाई? जी बेटा। मैंने आपको बोला था चिकन सैंडविच का। चिकन सैंडविच का? चिकन सैंडविच अच्छा मैं बना दूंगा, आपने शायद पहले कॉल की थी ना, मुझे याद आ रहा है सैंडविच के लिए। जी जी ठीक है बेटा, मैं बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक कोशिश करूँ। अच्छा, पूरी फैमिली को हाय कर दे प्लीज। चलें आपकी पूरी फैमिली को हाय और अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। ओके थैंक यू फॉर कॉलिंग, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा ये देखें, गुड़ जब इसमें मेल्ट होने लगेगा अच्छी तरह, इसमें स्पून तेज से चलाते रहें, और 1 चाय का चम्मच वनस्पति घी जाएगा इसके अंदर। 1 चाय जो चमचो वनस्पति घी भी दो उनका छा थी दो, इनके अंदर शाइनिंग इंदी, ठीक है। शाइनिंग आएगी, गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा, कलर चेंज नहीं होना चाहिए गुड़ का, ठीक है। ब्राउनिश टोन में नहीं जाना चाहिए, इसमें जो गुठलियाँ हैं बस वो ख़त्म हो जाएँ। स्पून तेज से चलाते रहें, स्पून चलाने से क्या होगा कि आपका जो गुड़ है वो बिल्कुल अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा। जैसे गुड़ मेल्ट होगा, 1 पाव गुड़ है, 250 ग्राम गुड़ आहे, इनके चंगी तरह मेल्ट कंदासीं। इनमें मां 1 खाइण जो चमचो पाणी विधो, 1 चाय जो चमचो मां इनमें घी विधो, ठीक आहे। 1 चाय जो चमचो घी विधो, हिनखां छा थींदो, इनमें शाइनिंग ईंदी, इनमें गंढा न हुजनि, गुड़ बिल्कुल मेल्ट थी वञे चङी तरह। ऐं हाणे जॾहिं गुड़ मेल्ट थी वियो आहे, इनखे अञा थोरो पचाईंदासीं, ठीक आहे। बिल्कुलु सुठो थी वञे तयार, त हिन में असां मुरमुरा जेके आहिनि चांवरनि जा हूंदा आहिनि, ठीकु आहे। हर जॻह मिली था वञनि, सम्झी विया हूंदा, जंहिंजा मरुंडा ठहंदा आहिनि उहे मुरमुरा, ठीकु आहे। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। टीवी जो वॉल्यूम वधियल आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो हलो हमें नहीं है लाइन। ओके टीवी का वॉल्यूम हमेशा बंद करके कॉल किया करें प्लीज़, वरना आप लोग की लाइन इसी वजह से ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। मुझे भी नहीं समझ आ रही होती, और आप लोग की मेरी आवाज़ आपकी टीवी से मुझे आवाज़ वापस आ रही होती अपनी। अच्छा इसका देखें, थोड़ा सा कलर ब्राउनिश होने लगा, ठीक है।
गुड़ मेल्ट हो गया। अब हम इसमें डालेंगे मुरमुरे, 100 ग्राम मुरमुरा पहले आधा डालें, इसको मिक्स करें अच्छी तरह साइडों से। जी कॉल बटूता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कह रहे हैं कितना गला हो गया? फैसल बोल रहे हैं जी। जी मैं फैसल बात कर रहा हूँ, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। समझ लग रहा था बस दो तीन मसले से पिछले साल की अपनी जगह रहे, बिल्कुल सोचते रहे कि नया साल आ गया, आप जो बात कर तो नहीं कोई बात थी, गुजरा हुआ ये साल भी उम्र बढ़ा गया। वाह वाह जबरदस्त। मिस्टर सरवत जी, जी मिस्टर सरवत, मिस्टर सरवत कराची से जी, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, दुआएं हैं आपकी जी। कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश? जी दुआएं हैं आपकी। आपके टीवी का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, मुझे आवाज आ रही है अपनी? नहीं इधर, अब इधर चली गई। अच्छा कोई फरमाइश है आपकी? बस फरमाइश ये, आप ऐसी सिखाते रहे हमेशा, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। आमीन आमीन, आपकी खिदमत में सका नुसरत हमेशा कायम रहे ऐसी आपकी। आमीन जज़ाकअल्लाह, अच्छा सिखा रहे हैं सबको, बहुत फायदा पहुँच रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों की दुआएं ले रहे हैं पूरे पाकिस्तान की, आप बल्कि बाहर मुल्क की। बिल्कुल, मुझे सिर्फ दुआओं की ही जरूरत होती है, आप लोग की दुआएं हैं तो बिल्कुल माशाल्लाह दुआएं होती हैं, सब कुछ सही बात क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठीक है थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा ये अच्छी तरह आपने मिक्स करके चूल्हा बंद कर देना है ताकि जले ना, ठीक है? गुड़ जले ना, चूल्हा बंद करने के बाद सिर्फ 4-5 मिनट इसको छोड़ना है, उसके बाद ठंडा यख पानी हमने लेना है, ठीक है? ठंडा यख पानी लेंगे यहाँ पे, अब इसका तरी घी से कभी भी नहीं होगा, ठंडा पानी हाथ पे लगा लगा के हमने इसके बॉल्स बनाने होते हैं, और ये प्रोसेस बच्चों से नहीं कराइएगा प्लीज़। हाथ जलेगा तो नहीं आपका भी, छाले नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये कि एहतियात से बहुत गर्म होता है तो ये आप खुद ही करें, ठीक है? बच्चों को ना दें। इस तरह करने के बाद जितनी भी स्पूंस यूज़ हो रहे हैं, जितनी कढ़ाइयाँ यूज़ हो रही हैं, इनको पानी डाल के चूल्हे पे रखें, गर्म होंगे स्पून्स भी उसमें डाल दें, वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा जो इसके ऊपर चिपका हुआ होगा, फिर आप इसको वॉश कर लें, ठीक है? अब हम लेंगे 1 टेबल स्पून, ठीक है? 1 टेबल स्पून इसके अंदर छोड़ेंगे, थोड़ा ये ठंडा हो, ठीक है? 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर छोड़ दिया, बल्कि इसको यहाँ उतार के रखता हूँ। उतार के रखने का मकसद ये कि चूल्हे की हीट से ये और थोड़ा हटेगा तो थोड़ा ठंडा होना शुरू होगा, ठीक है? रेडी सो, अब हमने क्या करना है, बिल्कुल ठंडा चिल्ड वाटर है मेरे पास, ये मैं फ्रीज़र से निकलवाया है पानी, जैसे बर्फ़ का पानी होता है, ठीक है? कॉल बटूं था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कह रहे हैं कितना गलायो पिया? जी असन शिकारपुर का गलायो था। अधिक कुछ चाहिए चाहिए दो? जी 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 बिल्कुल, हुकुम जी। असन के पावर जो पंचायत जो तरीका कार बुधाए ना वे अधी अगे हफ्ते में पावर ठाया पियो, ठीक है? जुम्मे वाले नहीं ता दिस जो मैं पावर ठाया पियो, जरूर दिस जो प्रोग्राम। अच्छा हां जी, जुम्मे वाले नहीं, ठीक है जी। जुम्मे वाले डीडीस जो पावा मां ठाईंदम तो सजो तरीको कार ताके समझ अची विंदो, ठीक है दी? अच्छा अवां जी तरफ ताके 9 साल मुबारक हो जे। खैर मुबारक दी ताके, ताई से पूरी फैमिली के भी मुबारक हो जे, पयो ख्याल रख जो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा ये अच्छी तरह इस टेबल स्पून इसमें रखेंगे, अभी ये गर्म है, ठीक है? हाथ, अच्छा अब क्या करना है, हाथ बिल्कुल ठंडे बर्फ जैसे पानी इसमें देखें, ये बर्फ भी नजर आ रही है, ये देखें मेरे हाथ में बर्फ है, बिल्कुल इतना ठंडा पानी हो, बर्फ का यख पानी, ठीक है? ये अपने हाथ पे लगाया, पहले हल्का सा टच करके देखें, अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ नहीं जलेंगे तो फिर आप इसको ले लें, अदरवाइज 4-5 मिनट और छोड़ दें इसको, ठीक है? ये सब चीज़ें ये देखें, अब ये मूंगफली की भी ये तैयार हो रही है, फिर इसको थोड़ी देर के बाद मैं कटिंग करूंगा तो इसको फिर हम निकालेंगे, ठीक है? मूंगफली वाली मैंने इसमें इसलिए की है कि इसको मैंने बेला नहीं, मूंगफली वाले को कभी बेला नहीं जाता, क्योंकि मूंगफली छोटी बड़ी आड़ी टेढ़ी इसमें रखी होती हैं तो वो बेलन उसके ऊपर सही चलेगा नहीं, तो इससे बेहतर है आप इसको स्पून से सेट करें, ठीक है? अब ये हाथ से इस तरह लें, पानी लें ठंडा हाथ पे, इससे क्या होगा आपके हाथ पे छाला नहीं पड़ेगा और जलेगा नहीं हाथ। ठंडा पानी लिया, छोटे बॉल्स बना रहा हूँ, बड़े बनाना चाहें बड़े बनाएं, ये देखें मेरे हाथ गीले ना पानी से, ये इसी तरह बनते हैं प्रोफेशनल जो ये लोग बनाते हैं बेचते हैं, ये भी ये देखें ये लड्डू बन गया। अच्छा इस साइज़ का मैं इसलिए बना रहा हूँ छोटा, क्योंकि ये 1 बाइट होता है, आप आराम से खा सकते हो। बड़े वाले जो लड्डू हम लेते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि जब हम मुंह में लेके उसको तोड़ रहे होते हैं तो आधा तो वो वैसे ही टूट टूट के गिर रहा होता है, फिर हाथ रख के नीचे हम खा रहे होते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप छोटे बनाएं और बहुत सारे बनाएं, बच्चे भी छोटे साइज़ की आराम से खा लेते हैं, बड़े वाले बच्चों से खाए नहीं जाते फिर उनके दांत में भी लग रहे होते हैं, ठीक है? इस तरह 1 टेबल स्पून लें और उससे इसको लेते जाएँ, ठीक है? हाथ में 1 टेबल स्पून जितना लें और ठंडा पानी हाथ पर लगाते जाएँ इस तरह, और ये बॉल्स बन जाएंगे। ये आप बाहर से खरीदते हैं, घर में बनाए इतना सस्ता आपको ये पड़ेगा,
इतने सारे आपके बन जाएंगे, तकरीबन 24-25 बल्कि 30 बन जाएंगे, छोटे छोटे, बड़े बनाएंगे तो आपके भी 24-28 इस तरह बन जाएंगे, लेकिन मैं 30 तो कह रहा हूँ, 30 से भी ज़्यादा बनेंगे, एक एक टेबल स्पून जितना इसमें से लेते जाएँ, ठीक है। और अगर ये आपको जल्दी करना है प्रोसेस, बहुत टाइम इसको नहीं देना है, वरना ये क्या होगा कि ये बिल्कुल ठंडा हो गया तो ये सारा इसी में जम जाएगा। जल्दी जल्दी ये प्रोसेस करना है, इस तरह करके बॉल्स बनाते जा, अब स्पीड पकड़ के ना मैं बनाता जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के सामने ही बन जाएंगे। इसके बाद जब ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से आने के बाद मैं थर्ड वाली चिक्की बनाऊंगा, जो हमारी कौन सी होगी, नारियल की। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स जितना भी हूंदा आहिनि, को भी तव्हांखे वणे थो, काजू आहे ऐं चणनि जी दाल आहे, भुगल, हुन जा बि ठाही सघो था, हर तरीक़े जा तव्हां ठाही सघो था, ठीकु आहे। पिस्ते जा, बादाम जा, जीअं तव्हांखे ड्राई फ्रूट, मिक्स ड्राई फ्रूट जा बि ठहंदा आहिनि, ठीकु आहे। इस तरह के मुरमुरे के लड्डू ये बनाते जाएं, लेकिन ये प्रोसेस जल्दी जल्दी करना है। हाथ बस ठंडा पानी लगाएंगी तो आपका हाथ जलेगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल फील भी नहीं होगा आपको हाथ पे, हाथ पे पानी इस तरह ठंडा लगाते जाएं, ठीक है, यूं हाथ से दबाते जाएं और इस तरह के लड्डू बनते जाएंगे। गर्म हो, हाथ पे पानी लें, इस तरह आप उतारें, ठीक है, ये देखें, हाथ पे छाला भी नहीं पड़ेगा और आराम से आपका मुरमुरे का लड्डू बन जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये चावल के, पॉपकॉर्न के भी सेम इसी तरह बनेंगे, ठीक है। पॉपकॉर्न जेका हुंदा आहिनि, फुल्ला जेका हुंदा आहिनि, कॉल वठूं था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल्लाह बात कर रही हूं। जी, क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। दुआएं आपकी, प्रोग्राम देख रही हैं। जी बिल्कुल, वो मूंगफली की टिक्की आपने बनाई है, जरा एक बार दोबारा रिपीट कर दें उर्दू में। और क्या? मूंगफली की जो टिक्की आपने बनाई है, वो एक बार दोबारा रिपीट कर दें उर्दू में। और कुछ कहती है तो आपकी आवाज चली जाती है। कौन सी वाली की? मूंगफली की टिक्की। एक मूंगफली की सिर्फ रेसिपी रिपीट करनी है जी। चले, आपने फरमाइश की थी चिकन स्टेक। हाँ, स्टेक में इंशाल्लाह देखें, बनाऊंगा नेक्स्ट कमिंग वीक में ही बना दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक के बाद वाले वीक में, जो चाइनीज का वीक है ना, सेकंड वीक, उसमें मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह जरूर, ठीक है। चिकन स्टेक भी बनाऊंगा, बीफ स्टेक दोनों साथ बनाऊंगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ये देखें, गरम गरम है और हाथ पे ठंडा पानी लगाते जाएं, बल्कि दो बंदे बनाएं, वरना क्या होगा, एक बंदा बनाने लगेगा तो ये आपके टाइम लगेगा और वो चिपकना शुरू हो जाएगा, और अगर रह भी जाता, चिपक भी जाता है तो ज़रूरी नहीं आप लड्डू बनाएं, वैसे भी इसके पीसेस छोड़ दें, ठंडे हो जाएंगे, वो आप वैसे भी खा सकते हैं। लड्डू तो अच्छे लगते हैं, अगर ना बना सकें, जो बच जाए जम जाए, क्योंकि इसको दोबारा हम गर्म करके नहीं बना सकते, इसी प्रोसेस में इसको कम्प्लीट करना होता है, अगर हम गर्म दोबारा करेंगे तो ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक जो टाइम थी पे कार्डिनल जी की, शॉर्ट ब्रेक वटू दौरान मैं ही सजा कोशिश कर दो ठाई वठा पो ही असन लास्ट वाली रेसिपी ताई सामू कंप्लीट करना से। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं ताई सामू जेको मां मुरमुरा ठाहिया उहे मां हिते रखी छॾिया, ठीकु आहे। ऐं हे देख सघते मुरमुरे के लड्डू मैंने बनाए हुए, और इसके साथ ये तिल की मैंने चिक्की बनाई हुई है, ये मूँगफली की है, इसको कटिंग बाद में आप तोड़ के कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे फोर्थ जो हमारी रेसिपी है, वो क्या है, वो है नारियल की चिक्की, ठीक है। नारियल जी लाई ठाहींदासीं, हिन लाइ असांखे छा खपे, ऐं इसकी रेसिपी मैं रिपीट करा रहा हूँ मूँगफली वाली की। मूँगफली के लिए आपने क्या लेना है, 1.5 कप 1.25 कप आपने मूंगफली लेनी है, और 0.5 कप आपने चीनी लेनी है। अगर 2 कप से 2.25 कप आपने मूंगफली लेनी है तो 1 कप चीनी लेनी है, ठीक है। लेकिन मैंने 0.5 कप चीनी ली थी, उसको हल्का सा मेल्ट किया, 1 चाय का चम्मच पानी, 1 चाय का चम्मच आपने उसमें बटर डालना है, ठीक है, और उसको मेल्ट करें, कैरामेल बन जाएगा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने मूंगफली को हल्का सा पहले रोस्ट करके रखना है, रोस्ट करने के बाद मूंगफली के दाने को 2 कर दीजिएगा, बीच से खोलेंगे तो 2 पीस हो जाते हैं, ठीक है, मूंगफली के दाने 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि मूंगफली रोस्ट की हुई उसमें कैरामेल में डालनी है, और इसको हल्का सा मिक्स करें, हल्के हाथ से अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद ग्रीस करें, किसी भी ट्रे में, लोहे के या कोई भी स्टील के ट्रे में ग्रीस करके इसको मूंगफली आप फैला के, और उसको फिर आपने क्या करना है, आपने चम्मच से इसको प्रेस करना है, बेलन चलाना चाहें, लेकिन इस पर बेलन ना चलाएं तो बेहतर है, चलेगा नहीं सही, स्पून से इसके पीसेस कर दें और सेट कर दें, उसके बाद जब इसमें कट्स लगा दें या इसी तरह छोड़ दें, हाथ से भी तोड़ सकती हैं, अगर कट्स लगा के फिर आप ठंडा कर दें, 1 घंटे बाद इसके पीसेस निकाल के आप रख लें, ठीक है। अब हम आते हैं नारियल की चिक्की। नारियल जी लाइट आइंदा से, हिन लाइ असांखे छा खपे, हिन लाइ बि असांखे खपे गुड़, ठीक है। यहाँ पर भी हमें तकरीबन गुड़ चाहिए 200 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम गुड़ चाहिए, 200 ग्राम गुड़,
200 ग्राम गुड़ डालने के बाद हमने क्या करना है, इसमें हमने डालना है नारियल, ठीक है। 200 ग्राम गुड़ डालने के बाद इसको थोड़ा मेल्ट करेंगे उसी तरह गुड़ को, ठीक है। और इसमें भी एक चाय का चम्मच पानी जाएगा, एक चाय जो चम्मचों विजंदासी पानी इनमें, ठीक है। एक चाय का चम्मच या एक टेबल स्पून आपने पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। इसको आपने इसी तरह पतला करना है गुड़ को, कैरामेल जैसे हम करते हैं इसी तरह गुड़ को मेल्ट करना है तेज़ आंच पे। और जब हमारा गुड़ मेल्ट होगा इसमें हमने क्या डालना है, पिसा हुआ नारियल है यहाँ पे मेरे पास हाफ कप, और एक कप हमारे पास कटा हुआ नारियल है, ठीक है। अगर सिर्फ पिसा हुआ नारियल बनाना चाहती है सिर्फ ये बनाएं, सिर्फ इसका भी कर सकती है, मैंने दोनों मिला के डाल रहा हूँ, ठीक है। डूंगा जेका डूंगी है पीठल वह अध कप है, कटियल जेका डूंगी है बारीक क्यूब्स में वह एक कप है, ठीक है। आई माँ इतने 200 ग्राम विद्वायन में गुड़, ठीक है। गुड़ के चंगी तरह मेल्ट करना सी, अच्छी तरह आपने मेल्ट करना है गुड़ को उसी तरह, बिल्कुल इसके जब ये पीसेस निकल जाएंगे जो छोटे छोटे चंक्स हैं बिल्कुल गल जाने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल मेल्ट हो जाए, स्पून चलाने से जल्दी हो जाएंगे। और इसमें हमने फिर डालना है 2 पिंच सोडा, सिर्फ 1 से 2 पिंच सोडा डालना है, उससे क्या होगा कि इसकी ग्रिप अच्छी आएगी। सोडा आप उसमें भी डाल सकते हैं, तिल में वैसे ज़रूरत नहीं होती क्योंकि तिल इतना बारीक होता है तो उसकी ग्रिप अच्छी हो जाती है, ठीक है। मिठी सोडा इनमें विझंदासी 2 पिंच बिल्कुल थोड़ो सोडा विझण का छा थींदो, नारियल वगैरह सब सेट थी वेंदो इन अंदर चिपकी वेंदो, ऐं तिरनि में न विझिजो, तिर उहीं चिंबड़ी वेंदा आहिनि उनजे अंदरि मिक्स थी वेंदा आहिनि, ठीकु आहे। अब मैं हल्की आंच करूं, थोरी मैंने तेज़ की थी हल्की आंच पे, क्योंकि ये नॉन स्टिक है तो मुझे इतना इशू नहीं है कि ये जलना शुरू होगा, ठीक है। अब इसमें बबल्स बन रहे हैं, इसमें अच्छी तरह बबल्स बनने दें और ये अच्छी तरह मेल्ट होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच मीठा सोडा, ठीक है, खाने का मीठा सोडा 2 पिंच डाल दिया, इससे रिज़ल्ट अच्छा आएगा इसका। सोडा डाला, इसको आपने मिक्स किया, देखें इसका कलर कैसे आ गया, इसमें बॉइलिंग से आ गई सोडा डालने से, ठीक है जी। कॉल बैठू था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ताहे मुबारक हुजे नए साल जी। खैर मुबारक, तहां के भी मुबारक हुजे। अल्लाह अल्लाह ताहे वडी आया, अल्लाह वडी आया ती दिनो रब साई बाजा मान में कदो। आमीन आमीन, जजाक अल्लाह, थैंक यू। अल्लाह कनो ताहे इने में अना इजाफो थिंदो। आमीन आमीन, ता तो दुआ मुगे ड्यूरियो पे। हां मास्टर मेहरबानी, रोज ताई रेसिपी ट्राई कंदे आ माशाल्लाह। हां अब ता कंदा आयो, बुधाईंदा भी हो मुखे हमेशा। जी जी, लाली सुखी जांदी आ मैं सारी लाई ता ठायो ता या सुबह ट्राई कंदम। हां बिल्कुल ठाए जो इन पे मुखे बुधाई जो अगे हफ्ते ना। बाला ता खुश रहे, अल्लाह पांजे पास ते मेरे के। मेहरबानी, पांजो इलाही सारो ख्याल रख जो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा यहाँ पे हमने घी लेना है, इसको भी हमने घी से ब्रश करना है, ठीक है। घी से ब्रश किया, बेलन को भी आपने ब्रश किया अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारा मिक्सचर बना हुआ है इसको उतार देना है, ठीक है, इसको उतारा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको उतारने के बाद स्पून से इसके ऊपर जो लगा हुआ है मिक्सचर ये भी सारा उतार देना, नारियल का, ठीक है। मीरपुर खास का कॉल बैठू था, नाजिया है ना, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, चाल है नाजिया? ठीक है यार जी, कहां की है दादा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हां आज राडी रेसिपी सुठी बैठा हो ता, जेका तेरे ए गुडन जी लाई खाई है वा भी राडी सुठी आए। थैंक यू। आई मूंगफली वाली भी, थैंक यू। इंशाल्लाह मैं जल्दी है ट्राई करनम। बिल्कुल इनके ट्राई कजो, ए बुधाए जो की लगी ता के, ठीक है जी जी। आई मां ता के फरमाइश भी कई हुई गोल गप्पन जी। गोल गप्पा ता मैं ठाई चुको है, शायद ता प्रोग्राम ना डेट हो जे, महीने डेट थी वा। अच्छा वो मुखा मिस थी वे वा जी, बाकी मई ता जो रेसिपी जरूर ट्राई करनस। बिल्कुल कजो, ए पेज अगर जॉइन केल है ता पेज ते गोल गप्पन जी रेसिपी ता के मिली विंदी। हां उने में मारी सी वठनम, ठीक है, थैंक यू, पंजो ख्याल रखजो, अल्लाह हाफिज़ जी, ठीक है। अच्छा मोठाने टाइम एडो ना है कि तो मैं इनके सिर्फ सेट किया पे हो, ठीक है। अच्छा ये नारियल की जो लाई होती है चिक्की होती है इसको सेट करना पड़ता है, ठीक है, ये थोड़ी सॉफ्ट बनती है, तिल जो होता है वो फौरन ग्रिप हो जाता है। इसको आपने किनारे इसके सेट करने, ठीक है, किनारे सेट करके और इसको फिर आपने दोबारा इसके ऊपर ये चलाना है बेलन, किनारे इसके सेट करते जाएँ ताकि गिरे ना नीचे से, ठीक है। अगर एक और काम कर सकते हैं कि जैसे ठंडा पानी था मेरे पास, ठंडा पानी लिया हाथ में, ठंडा पानी लगा के इसको
साइडों से इस तरह हाथ से सेट करें, ठीक है। थदो पानी लगाई भी तक सेट कर सको था। नारियल थोड़ा स्लिप कंदो है तो नारियल के ग्रिप कर ला थोड़ो पानी जो भी इस्तेमाल कर सको था, ठीक है। ये करके आपने इसको सेट कर देना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने कट्स लगा देने, ठीक है। बहुत मज़े की बनी है नारियल की, इसको आपने ज़रूर बनाना, ठीक है। अब मेरे पास टाइम इतना नहीं है तो मैं इसको थोड़ी देर छोड़ दूंगा बस इसी के ऊपर, और ये अच्छी तरह इसको कट लगाने के बाद हाथ से यूँ सेट करें, ठीक है। जब ये बिल्कुल जम जाएगी तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसको निकालना, ठीक है। इसकी थोड़ी मोटी बनाएगा, पतली करके आपने नहीं बनानी है, ठीक है। इस तरह मोटी बनाएगा, जो छोटे साइड से हट रहे हैं पीस वो खा लें, ठीक है। ये मैंने इसी तरह छोड़ दी है क्योंकि मैं प्रोग्राम के बाद इसकी पिक्चर लेके फिर मैं डिस्प्ले कर दूंगा पेज पे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चारों रेसिपीज आप लोग की फरमाइश पे मैंने बनाई है और सुबह 11 बजे रिपीट चलेगा, ठीक है। ज़बरदस्त ये रेसिपी हैं, इनके ज़रूर ट्राई कजो। आसान है, घर में तुम पान ठाई सको था, बाहर वी खाने का बेहतर है, पान ठाओ पान खाओ कहीं गिफ्ट भी करे सको था, घर में ठाई कहीं गिफ्ट करे भी मोकले सको था, काफ़ी सारी सीजन आए तो अड़ा गिफ्ट सुठा लगन है। इंशाल्लाह अगे हफ्तों डिजो तीन फरमाइशों जैमें निहारी पावा कढ़ाई है उनके अलावा जो हलवा वगैरह वो भी पूरा कहसी उनका नेक्स्ट वीक चाइनीज कहसी उनमें स्टेक वगैरह भी ठाईंदा और काफ़ी सारी वैरायटी ठाईंदी, ठीक है। पाँच खोर सारा ख्याल रखो, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सुबह 11 बजे रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ फैसल, मेरा पेज वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें कुकिंग विद फैसल सिन टीवी HD यूट्यूब पे, ठीक है। और ये सारी रेसिपीज भी सुबह 11 बजे रिपीट चलेंगी और मेरे पेज पे अपलोड हो जाएंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।